नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक, और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाले हैं, और आज के दिन आपको किस तरह का कार्य करना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरे अंत तक देखें, और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ग्रह गोचर सकारात्मक रहने वाले हैं। प्रतिष्ठा और लोगों के साथ में समय व्यतीत करना और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने आपके व्यक्तित्व को भी अधिक निखारेंगे। विद्यार्थियों को एडमिशन से संबंधित कुछ चिंता भी दूर होने वाले हैं। इस समय किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान होने के भी आशंका भी और आकांक्षा भी लग रही है, इसलिए रुपये पैसे को लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की भी जरूरत होगी, और कहीं भी निवेश ना करें। आपके अपने मित्र के आपकी परेशानी का भी कारण भी बन सकते हैं। व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी भी अनुभवी व्यक्ति सलाह अवश्य ले ले, अन्यथा कोई भी कर्मचारी आपकी कार्य प्रणाली में फायदा भी उठा सकते हैं। सरकारी सेवारत लोगों के लिए पब्लिक में डील कर सकते हैं। समय उचित व्यवहार बना के रखना जरूरी होंगे। आप अपनी व्यस्तता की वजह से घर परिवार तथा अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी पर परिजनों के सहयोग भी आपको आत्मविश्वास और आत्मबल भी प्रदान करने वाले हैं। कोई भी पुराना रोग दोबारा से उठ सकते हैं। लापरवाही बरते ना और नियमित दवाइयों की उचित इलाज लेने की भी जरूरत होगी। और आज का आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं हरा, और आज का आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं 5। जीवन से संबंधी हर किसी बात में आपको दुविधा महसूस होने वाले हैं, इस कारण आपको निर्णय और किसी भी कोई बात बता पाना आपके लिए भी कठिन हो सकते हैं। आपको संवाद कौशल में से बेहतरीन करने की आवश्यकता होगी। कहीं भी सरकारी बातों का भी ध्यान देने के कारण आपको जीवन में क्या चाहिए इस बात का भी पता लगा पाना कठिन भी हो सकते हैं। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों की क्वालिटी में साथ में काम से संबंधित पर पारदर्शिता बनाए रखेंगे। पार्टनर के केवल गतिविधियों पर भी ध्यान देने के भी कारण आपको रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक महसूस हो सकती है। सेहत ठीक रहने वाले हैं, फिर भी पानी का उपयोग योग मात्रा में करना जरूरी होंगे। बेकरी वालों के लिए कंसेशनरी आइटमों के लिए भी, कारोबारियों के लिए समय संभल कर काम करने का है। धन अटका भी रह सकते हैं। उल जुलूल चीजें खाने से बचने की जरूरत होगी। प्रीत का भी पूजन करेंगे तो सारी समस्या भी दूर हो जाएंगे। और आज सिलाई का काम करने के लिए भी राहत वाली बात सामने आ सकती है। दूध विक्रेताओं के लिए अनुकूलता भी रह सकती है। आंखों में अनावश्यक दबाव से बचने की भी जरूरत होगी। गणेश भगवान को मीठे चावल का भोग लगाए। चूने के कारोबारियों के लिए, इट्टे भट्टे वालों के लिए भी समय ठीक रह सकते हैं। भावी यात्रा संबंधी और योजना भी बन सकती है। दिमागी उठल पुथल पर काबू रखें और आज पहले रसदार मिठाई खाएं और दान भी करें। पुलिस अधिकारियों के लिए ट्रांसफर के लिए मामले में अधिक अनुकूलता भी रह सकती है। एफपीओ अधिकारियों के लिए पोस्टिंग भी मिल सकती है। कमर दर्द भी परेशान कर सकते हैं। हनुमान जी को सरसों के तेल में घुला के, सिंदूर चढ़ा के, बजरंग बाण का पाठ करें। वन विभाग के कर्मियों के लिए समय धैर्य के साथ काम करने का है। पौधों की नर्सरी वालों के लिए भी अनुकूलता की कमी भी रह सकती है। मानसिक उथल पुथल भी रह सकते हैं। कबूतरों को चुगा डालें। शिक्षा के अधिकारियों के लिए अच्छा दिन है। साहित्यकारों के लिए उपलब्धि कारक समय है। मन में उल्लासिता भी रह सकते हैं। जल में शहद डालकर सूर्य देव को अर्घ्य करें। एकड़ों के लिए समय कृपालु भी रह सकती है। मीडिया के कॉपी राइटरों के लिए अनुकूल समय है। अपने उत्साह पर पर्याप्त नियंत्रण रखें। शनि देव को काला सूती का कपड़ा चढ़ाएं। चित्रकारों के नर्तिकों के लिए भी प्रशंसा भी प्राप्त करने का समय है। इवेंट मैनेजरों के लिए भी नवीन अनुभव भी मिल सकते हैं। गैस संबंधी कुछ समस्या भी रह सकती है। नारायण कवच का पाठ करें। साधकों के लिए भी और विशिष्ट साधना में भी उतरने के लिए भी उपयुक्त समय है। रहस्य रोमांच की फिल्में, धारावाहिक, वेब सीरीज देखने के लिए रुचि भी बढ़ सकती है। किसी भी बात का भी जोश अधिकता में भी प्रतिक्रिया ना दे। रुद्राक्ष का पाठ करें।
और आज के दिन किसी भी विपरीत परिस्थिति अचानक से आपको किसी भी अनुभवी व्यक्ति की मदद मिलेंगे और का आप बहुत ही राहत महसूस करने वाले हैं। संतान पक्ष की तरफ से कोई भी संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में खुशी और सुकून रहने वाले हैं। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति भी रहने वाले हैं, परंतु तनाव लेना समस्या का हल नहीं है। इनकम टैक्स, लोन आदि से संबंधित फाइलों को कंप्लीट रखें। आप अपनी ही किसी भी जीत की वजह से अपना नुकसान भी करा सकते हैं। इस समय व्यवसाय में परिस्थितियां भी पूर्णतः आपके पक्ष में है, इनका भरपूर सदुपयोग करें। पारिवारिक व्यवसाय में जुड़े काम भी सफल रहने वाले हैं। नौकरी में से कोई भी सहकर्मी जलन की भावना से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में आपसी समाज की भी कुछ कमी रहने वाले हैं। परिस्थितियां आक्रोश की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का भी प्रयास करेंगे। तनाव की वजह से और नसों में सिंचाव का दर्द भी समस्या भी बढ़ सकती है। योगा और व्यायाम पर भी उचित ध्यान देने के भी जरूरी होंगे। और आज अपनी समस्या का समाधान मिलने की वजह से आपके मन में बना हुआ तनाव कम होंगे, साथ ही काम से संबंधित उत्साह भी बढ़ने वाले हैं। परिवार के लोगों के साथ में अधिक करीब महसूस करेंगे। बच्चों के प्रगति के कारण माता पिता को आनंद प्राप्त होने वाले हैं। अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करना आपके लिए भी संभव होंगे। यदि आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो रहा है तो उस पर व्यक्ति का भी बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तुरंत रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय ना ले, फिजियोथेरेपी द्वारा शरीर में बढ़ रही जकड़न का समाधान भी प्राप्त होने वाले हैं। और आज के दिन अपनी मेहनत और परिश्रम से कोई भी महत्वपूर्ण काम भी संपन्न होंगे। साथ ही आप प्रत्येक कार्य के सलीके और व्यवस्थित रूप से भी करने का भी जल्दी ही आपके लक्ष्य को भी हासिल कर लेंगे। युवा वर्ग अपने कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले हैं। जल्दबाजी में से कामयाबी हासिल करने के चक्कर में किसी भी अनुचित कार्य में रुचि ना लें। अपने गुस्से पर, ईगो पर भी काबू रखें। अपनी उपलब्धियां भी दूसरों के सामने ज्यादा बखान ना करें, अन्यथा जलन की भावना में से भी वही अपना नुकसान भी करा सकते हैं। व्यवसाय विस्तार में से करने तथा किसी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है, परंतु सेहत तथा तेजी मंडी जैसे कार्यों में धन निवेश ना करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मार्गदर्शन अवश्य लें। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा रहने वाले हैं, परंतु बेहतर प्रेम संबंधों में सुख शांति का भी नष्ट कर सकते हैं, इसलिए इनमें से दूर रहे। अपच और भूख ना लगने जैसी समस्या भी रहने वाले हैं। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने बिल्कुल भी ना दें। आपके प्रयत्न द्वारा आप अपने जीवन में बेहतरीन बना पाएंगे। पार्टनर और परिवार के लोगों के समस्या का समाधान खुद होकर ना दे। जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसे लोगों के साथ में जुड़े रहने की कोशिश आप करेंगे। काम से संबंधित लोन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। पार्टनर द्वारा आपको सरप्राइज भी मिल सकते हैं। सेहत ठीक रहेंगे। सेहत को और बेहतरीन बनाने के लिए आपके द्वारा कदम उठाया जा सकते हैं। और आज के दिन आपको आसपास के वातावरण में सुखद बना रहेंगे। प्रियजनों के साथ में मिल बैठ कर अपने अनुभव साझा करेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाने से बेहतर परिणाम भी हासिल होने वाले हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें, अनुभवी की कमी से कोई भी कार्य काम बिगड़ सकते हैं। मुश्किल समय से किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। किसी भी धरिष्ठ